एक बार हाय कर दीजिए इधर। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है ट्रकमैन में आकर के। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपका। आपको वो शब्द नहीं मिल रहे हमको आपको बयां कर सकें। अच्छा, जैसे कि कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। क्या आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? हमारी ज्वाइनिंग तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मुश्किल से वो हो गए होंगे 45-46 लाख मिनट से या घंटे, अब आपको बता नहीं सकते। अरे पहले इंटरव्यू दे दीजिए तो फिर उसके बाद करिए काम। नहीं, पहले काम उसके बाद इंटरव्यू देखिए भाई। कट जाएगा क्या वेतन? वेतन नहीं कटेगा, कर्म ही पूजा है, पहले कर्म करो फिर उसके बाद। अच्छा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। जो कि रेल हम पे विश्वास किया है तो हम भी रेल पे विश्वास करते हैं, दगा नहीं देना चाहते। अगर आप हम पे विश्वास करेंगे तो हम आप पे विश्वास करेंगे। अब तो आप बहुत ऊंचे पद पर बहुत ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे ऐसा सोच रहेगा तो एक दिन हम ऊपर चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है। अब देखिए इधर से ट्रेन आ रही है, लगता है आवाज़ सुनाई ना दे। तो आपको थोड़ी देर बाद मिलाते हैं। मिस्टर प्रवीण चंद्र यादव मेजर। उधर देखिए दो ट्रैकमैन साथी लगे हुए हैं उधर, और ये देखिए जो दिख रहा है सिग्नल है, अभी ग्रीन था अब रेड हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ लूट लगा रहा था। उस पर जब रेल का चक्का पड़ता है तो ये रेड हो जाता है अपने आप। ये देखिए पीछे जो खड़े हैं गार्ड दिख रहे हैं। अब मिलाते हैं इनसे, प्रवीण चंद्र यादव जी से। हाँ सर बताइए। महोदय जी, हमें करना चाहते हैं, जैसे देश की आर्मी है वो भारत की सुरक्षा करती है, देश बॉर्डर पे लड़ती है, वैसे हम ये ट्रैकमैन भाई जितने भी हैं वो सब ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। जो कि जानते हैं जो मेहनत करता है, जैसे किसान भाई हो गए, वो अगर मेहनत करते हैं तो उनको कोई नहीं जानता है। वैसे रेल में भी हम लोग हैं, मेहनत सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं, मगर हम लोग को कोई जानता ना पहचानता है। क्यों, आर्मी वालों को तो सभी लोग जानते हैं। आर्मी वालों के अब क्या करें भाई, वही तो है ना, जो दिखता है वही दिखता है, हम लोग दिखते नहीं इसलिए दिखते नहीं, मगर मेहनत सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं। अच्छा, इसीलिए ट्रैकमैन को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ट्रैकमैन को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अच्छा, आप लगभग कितना, हाँ तो बताइए आपकी सैलरी कितनी होगी लगभग? देखिए यार, कहा गया है ना कि लड़कियों से उम्र और नौकरी करने वाले सैलरी नहीं पहुँचनी चाहिए, इसलिए। अरे हमारे हमारे दोस्त लोग जानना चाहते हैं, जो पब्लिक है वो जानना चाहती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो रेलवे इतना दे देती है कि नहाने खाने पी पहनने के लिए पर्याप्त रहता है, घर परिवार चल जाता है, इतना भगवान की दुआ से बहुत है इतना। अच्छा, इसके माने सैलरी आप नहीं बताएंगे कि इतना मिलेगी? आप अगर आना चाहते हैं आएंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा भाई, जानते हैं, अब आपको क्या बताएं हम। अच्छा, जैसे है कि अब देखिए भाई, अभी काम है, अब काम नहीं करेंगे तेल नहीं चलेगी। आप जान रहे हैं कि रेल इस समय घाटे में चल रही है, मोदी जी हमारे रेल को निजीकरण करके बेच दे रहे हैं, तो क्या करें? अब बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है। अब मोदी जी क्या कहें, अब वो अब हमसे सीनियर हैं तो हमसे अच्छा सोचे होंगे, जो भी रेल देश के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतना तजुर्बा नहीं है, अभी रेल परिवार में जुड़े हमको ज़्यादा दिन हुआ नहीं, तो इसलिए अभी हम रेल में पैदा ही हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकते हैं। यही बता सकते हैं कि फरसा कैसे चलाया जाता है, सेफ्टी बता सकते हैं, ये सब रेल के नियम हैं। जैसे कि आप ये हमारा डेली का वर्क में कभी काल लग जाते हैं, यहाँ पे जब ज़्यादा कहते हैं स्वच्छ भारत, एक भारत स्वच्छ भारत, तो वही स्वच्छ भारत में लगे हैं, किसी को कोरोना ना फैले। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, देख लीजिए यही काम होता है रेलवे ट्रकमैन का, तो आइएगा आप भी मेहनत करके। ग्रुप डी की तो वैकेंसी आई है इतना।
तो मेहनत करिए, आप भी आइए हमसे मिलिए, हम मिलिएगा हमसे। चलिए आपका इंतजार रहेगा। चलिए, अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।